ओम नमो नारायण। आज 18 साल के बाद, लगभग 18 वर्ष के बाद मैं वापस मुंडित होने जा रहा हूँ। पता नहीं कैसा लगूंगा, लेकिन जैसा भी लगूंगा आप लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नहीं, ये आरंभ हो गया है मुंडन, और लगभग 18 वर्ष के बाद, लगभग 18 साल के बाद ये बाल जो है हमारे जा रहे हैं। ऐसे ही मन किया, बहुत मुहूर्त यदि देखा उसमें लगा कि एक बार मुंडन होना चाहिए। 18 वर्ष पूर्व मैंने मुंडन कराया था हरिद्वार में, और उससे पहले कराया था 97 में। तो दो और ये तीसरी बार मुंडन मेरे संन्यास जीवन का होने जा रहा है, तो तीसरा मुंडन है। भगवत कृपा से ये मुंडन अच्छा हो। ऐसा कहा जाता है कि मुंडन हमेशा शुभ होता है, बालू में राहु और शनि का दोष होता है, और वो जब कट जाता है तो उससे अच्छी चीजें होती है। वैसे भी मुंडन होना होते रहना चाहिए पुरुषों का। तो हम सन्यासियों में जब मुंडन होता है तो दाढ़ी, बाल, मूछ, पंचकेश उतरते हैं, तो आज वही पंचकेश की परंपरा उतर रही है। ये आगे से लग गया है उस तरह। ये आगे से उसका लग गया है। एक मिनट हाथ हटाओ, तुम बनाओ। मुंडन भी जरूरी है, इसे घबराना नहीं चाहिए। ये भी एक प्रक्रिया है जिससे स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, और शरीर के और लोगों के नजर दोष सब कटते हैं। इसी कारण से हमारी यहाँ मुंडन की परंपरा है। छोटे बच्चों का मुंडन होता है, बड़ों को भी होना चाहिए। वर्ष में, दो वर्ष में जब भी संकल्प लें, मुंडन होते रहना चाहिए। तो गुरु जी से आज्ञा ली थी मैंने, गुरु जी ने कहा था कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो कराओ, बिना गुरु आज्ञा के संभव नहीं है। तो अब आज हमने ये भाव लिया है कि हम इसका मुंडन कराएं, और ये मुंडन आज परिपूर्ण हो रहा है। क्या नाम तुम्हारा भैया? रिंकू भैया के हाथों से हमारे सारे पुजारी मेरे साथ आज मुंडित हो रहे हैं। तो धीरे 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 बाल मुझे छोड़ते हुए जो थोड़े से बचे हैं अब वो जा रहे हैं। हम भी रोक भी नहीं सकता इनको। तो ये लगभग लगभग परिपूर्ण हो गया है। अब दाढ़ी जाएगी। कोरोना वायरस का बहुत भारी प्रकोप देश में चल रहा है। हनुमान जी से प्रार्थना की, महाराज ये हमने जो बाल आपको दान किए, इन बालों के साथ आप इस संसार से कोरोना नाम की महामारी खत्म कर दीजिए। जीवन में पहली बार मूछे बनवा रहा हूं मैं, दाढ़ी और मूछ पे उस तरह कभी नहीं लगा था, पहली बार दाढ़ी और मूछ बन रही है। जी हाँ, देखिए मूछ चली गई, अब दाढ़ी का बारी है। जी हाँ, ये परिपूर्ण मुंडन हो गया है, और ये अब नया लुक है हमारा, जो संभवतः आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन यही है इसमें।